नमस्कार, आप देख रहे टुडे हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गनमीत कौर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सलमान खान से देश भर के एग्जिबिटर्स ने लगाई मदद की गुहार। राधे को सिनेमा घरों में रिलीज करे भाईजान। सरकार ने अक्टूबर की शुरुआत में 50% क्षमता के साथ सिनेमा घर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत दे दी थी, लेकिन अभी भी बड़े मेकर्स अपनी फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज नहीं कर रहे हैं। वजह ये कि भले ही सिनेमा घर खुल चुके हैं, लेकिन लोग पहले की तरह थिएटर में पहुंच नहीं रहे हैं। हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई फिल्में रिलीज हुई, इनमें अक्षय कुमार, वरुण धवन, विद्युत जामवाल जैसे सितारों की फिल्में भी शामिल हैं। अब फिल्म एग्जिबिटर्स ने सलमान खान को पत्र लिखकर गुजारिश की कि उनकी फिल्म राधे का ओटीटी के बजाय सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए। पत्र में ये भी लिखा है कि सलमान खान की राधे को इस साल ईद पर ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए, इससे सिनेमाघर पहले की तरह दुरुस्त हो सकते हैं। सलमान खान की इस फिल्म के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा थी कि इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। शायद इसी को देखते हुए फिल्म एग्जिबिटर्स ने यह पत्र लिखा। सलमान खान की फिल्म राधे को लेकर पत्र में लिखा गया है कि यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो इससे बड़े स्तर पर आर्थिक मदद मिलेगी। सलमान खान की राधे को लेकर पत्र लिखने में गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दिल्ली NCR और उत्तराखंड सहित देश भर के थिएटर मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उनके इस पत्र पर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं। बता दें कि सलमान खान के साथ इस फिल्म दिशा पटानी और रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। खास बात तो ये है कि इस फिल्म में भी सलमान खान कॉप की भूमिका में नजर आएंगे।